एक दिन एक हिरन एक तालाब में पानी पीने के लिए आया। तालाब के पानी में अपने सिंगों की परछाई देखकर उस हिरन ने कहा, वाह मेरे सिंग कितनी सुंदर है, जैसे मानो किसी पेड़ की सुंदर शाखाएं हो। और एक तरफ है ये मेरे चारों पैर, दिखने में तो एक भी अच्छे नहीं है, चारों के चारों इतने पतले पतले है मानो जैसे किसी पेड़ की सूखी डहनियां। सिंगों की मदद से तो मैं मेरे दुश्मन को घायल कर सकता, लेकिन इस पैरों से मुझे क्या मिलता है। इसी समय वहाँ पे एक शिकारी आ जाता है जो हिरन को मारने के लिए तीर चलाता है, लेकिन वो चूक जाता है। वो हिरन अपनी जान बचाने के लिए जोर से दौड़ लगाता है। वो हिरन पीछे मुड़कर देखता है कि वो शिकारी उसके पीछे पीछे तेजी से आ रहा है, इसीलिए जान बचाने के लिए वो और भी गहरा जंगल में घुस जाता है। कुछ ही दूर जाके उस हिरन का सींग एक झाड़ियों में फंस जाता है। वो जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है उतनी बुरी तरीके से फंस जाता है, इसीलिए वो अपनी जीने की उम्मीद छोड़ देता है। कुछ ही पलों में वो शिकारी हिरन को ढूंढ लेता है और तीर चलाकर उसको घायल कर देता है। मरने के वक्त उस हिरन को अपनी गलती का एहसास होता है कि जिस पैरों को वो इतने दिन से भला बुरा कहता रहा वही उसको बचाने के लिए पूरा कोशिश किया, और जिस सिंह के लिए वो इतना अहंकार करता था वही उसका मृत्यु का कारण बना।